इंडिया का जो खेती बाड़ी है उसमें बहुत सारा बदलाव आया है। वो बदलाव मेनली इस बात पे है कि पहले लोग खेती एक जीवनधारा था, मेनी पीपल वेयर कल्टिवेटिंग फूड, लोग अपने खाने के लिए खाना पैदा करते थे और अगर एक्स्ट्रा कुछ पैदा होता था उसको बाजार में बेचते थे या एक्सचेंज करते थे। लेकिन धीरे धीरे खेती के लोग घटते गए और शहर के लोग बढ़ते गए, इसलिए अभी बहुत सारे लोग पैसे के लिए खेती करते हैं। तो जब वो ठीक करते हैं कि क्या उगाना चाहिए तो मिट्टी कैसा है, वातावरण कैसा है, वो नहीं देखते हैं, बल्कि बाज़ार में कब बेचने से क्या फ़ायदा होगा उसी हिसाब से फसल का चयन होता है। दैट इज़ द मेन चेंज दैट हैज़ हैपेंड। सो खेती करके अपने खाने के लिए खेती करना वो काफ़ी घट गया है, और खेती करके कुछ बेचेंगे और उस खाने को उससे बेच के अपना खाना खरीदेंगे, इसीलिए वो खाने में जहर मिला हुआ हो या कुछ हो वो तो दूसरा आदमी खाएगा, इसीलिए उतना नहीं सोचते हैं। दैट इज़ द मेन चेंज। देयर आर मेनी चेंजेस, इट इज़ ए बिग टॉपिक इन इंडिया। जो अभी का खेती में क्यों चेंज आना चाहिए जो आप पूछ रहे हैं, कि वो इसलिए क्योंकि बहुत सारा समस्या पैदा हुआ है। एक तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल काफ़ी बड़ा है, इसलिए उसको सब्सिडी देना पड़ता है। वो केवल अपना जो खेती का पैसा है उससे होता नहीं है, इसलिए सरकार एक्चुअली फैक्ट्री को सब्सिडी पहुंचता है, फार्मर को नहीं जाता है। लेकिन सब्सिडी बढ़ते 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 इतना हो गया है कि वो अफोर्ड करना, तेल का दाम गए 5 साल में दुगना से भी ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं बाहर से वो आमतौर पर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए, ट्रैक्टर को चलाने के लिए और पंप सेट को चलाने के लिए डीजल लगता, तो वो सब्सिडी काफ़ी बढ़ गया। दूसरा कारण है कि उसी के चलते पॉल्यूशन भी काफ़ी बढ़ गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एक तो फर्टिलाइजर देने से जो नाइट्रोजन एमिशन होता है, तरह तरह के नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन होता है, उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ गया और पानी और मिट्टी भी काफ़ी पॉल्यूशन हो गया, तो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम भी काफ़ी बढ़ गया। अगर तीसरा बोले कि क्यों हमको दूसरा खेती का तरीका ज़रूरत है, तो उसका कारण है कि सीड सॉवरेंटी जो था वो ख़त्म हो गया। अधिकांश सीड अभी फार्मर को बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है और धीरे धीरे वो बायोडाइवर्सिटी घटता रहता है। हर साल हम लोग धान के सब्जी के वैरायटी हर साल घट रहा है, और अगर उस हिसाब से सोचेंगे तो और भी जो प्रॉब्लम है कि हमारे देश में सॉयल इरोशन दुनिया में पहला 3 में शायद होगा, इतना ज़्यादा सॉयल इरोशन होता है हर साल, तो और ग्राउंड वाटर धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। तो ये 5 मेन कारण से सब्सिडी बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सीड सॉवरेंटी घट रहा है, ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो घट रहा है, उससे ऑलरेडी
हम केवल 20-25% जमीन में इरिगेट करते हैं, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी पम्प्ड अप वाटर का करीब 80% इस्तेमाल होता है। तो ये मॉडल टिकाऊ नहीं है, इसीलिए इसका अल्टरनेटिव ढूंढने का जरूरत है। हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर के साथ काम करके, फार्मर के फील्ड में ही एक्सपेरिमेंट करके ये दिखाना कि खास करके छोटे किसान जिसके पास 2-1 एकड़ जमीन है और खेती के लिए खास पंप सेट वगैरह ट्रैक्टर नहीं है, वो भी अगर चाहे तो खेत को, खेती के ढंग को बदल सकता है और कोशिश कर सकता है कि कैसे पैदावार बढ़ाया जाए, कैसे पैदावार को और हेल्दी बनाया जाए। तो इस तरह के सस्टेनेबल मॉडल को, जिसमें कि ये सारे जो पहले समस्या बोल रहे थे, कम पानी इस्तेमाल हो, कम पॉल्यूशन हो, सीड सॉवरेनिटी बने, इस तरह का खेती को करना अभी बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में इतने सारे वैराइटीज अवेलेबल हैं, वो एक हिसाब से हमारा अपॉर्चुनिटी है। हमारे देश के किसान के पास काफ़ी सारे इंडिजिनस नॉलेज है कि कैसे उसको इस्तेमाल करें, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। और हमारे चैलेंज जो है कि जो लोग अभी खेती के लिए प्लानिंग करते हैं, मेनी ऑफ देम डू नॉट टॉक टू पीपल, उसका कोई रिश्ता नहीं है, लोगों के साथ खास कोई रिश्ता नहीं है। और जो खेती पढ़ते हैं, खेती को लेके जो 5 साल पढ़ते हैं, वो लोग खेती करने नहीं जाते हैं, और जो एक्चुअली खेती करते हैं उनको पढ़ने लिखने का कोई मौका नहीं मिलता है। तो जो लोग खेती कर रहे हैं वो अगर आपस में बातचीत करें, और जो उनके लिए खेती का प्लानिंग कर रहे हैं वो अगर किसान का बात सुने, किसान का नॉलेज भी साथ में ले, तो दैट इज नॉट हैपनिंग, बट दैट इज ए चैलेंज। जो फ्यूचर है यहाँ का इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर आगे कैसा चलेगा, तो दिक्कत अभी जो होता है कि इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर का पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन हम अभी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ्रेमवर्क में सोचते हैं, वो सोच है कि हम वही खेती करेंगे, अगर गेहूं है, चावल है, जो चालू हुआ वही खेती करेंगे, वही फसल उगाएंगे, केवल मेथड को ऑर्गेनिक बनाएंगे। लेकिन इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर सोचता है कि पूरा खेती ही यहाँ के वातावरण के साथ, यहाँ के मिट्टी के साथ, यहाँ के कल्चर के साथ जुड़ा हुआ हो। तो कैसे ऐसा खेती बनाएं ताकि लोग को काम मिले, कैसे ऐसा खेती बनाएं ताकि पॉपुलेशन कम हो, कैसे ऐसा खेती बनाएं ताकि सीड सॉवरेनिटी आए, यानी जो सब प्रॉब्लम बोल रहे थे वो नहीं पैदा हो, कैसे ऐसा खेती बनाएं ताकि लोगों के ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी का जो मेन चैलेंज हो गया है कि एक साथ अगर बैठ के बात नहीं करेंगे तो इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल है। और गांव अभी पॉलिटिकल कारण से कहीं 3 कहीं 4 हिस्सा में बंट गया है, और लोग एक साथ बैठ के अपना समस्या क्या है वो सोचते नहीं है, ये एक कारण है। फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू इट हैज़ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। लोग सोचते हैं कि कमर्शियली वायबल नहीं होगा, उपज घट जाएगा। उपज नहीं घटेगा, उपज का कोई 2-1 चीज घट जाएगा, लेकिन टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड,
fodder, firewood, craft material, that will be actually much more in ecological agriculture. जहाँ कि हम लोग अभी का जो एग्रीकल्चर है उसमें कोशिश होता है कि जिस समय में अपॉर्चुनिटी अच्छा है, बाजार दाम अच्छा है, केवल उसी समय खेती करो. लेकिन इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर में चाहे होम गार्डन हो चाहे खेती हो, उसमें साल भर कुछ ना कुछ पैदा होता रहता है और तरह तरह के चीज पैदा होते हैं जिसमें बहुत सारे चीज. तो बायोमास के हिसाब से इट इज ऑलवेज मोर प्रोडक्टिव. अब उस बायोमास को अगर पैसा में कन्वर्ट करना है तो जरूर कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, जरूर कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ेगा कि कचरा से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बने, कचरा से हैंडमेड पेपर कैसे बने, कचरा से कोई रस्सी बन सकता है या फडर बन सकता है या नहीं, तो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा. यानी आधुनिक तकनीक का जरूरत तो है. तो अगर एग्रीकल्चर बेस्ड इन्वेस्टमेंट बहुत होगा कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हर गांव में बनना चालू हो, देन इट विल बी इकोनॉमिकली मोर वायबल बोथ फॉर द फार्मर्स एंड फॉर द कंट्री. एक तो ये सब समस्या क्लाइमेट चेंज का पैदा हुआ, उसका कारण, उसका मेजर कारण, एक चौथाई कारण अगर है तो वो एग्रीकल्चर ही है. मैंने एग्रीकल्चर में यूज होने वाला पंप सेट, एग्रीकल्चर में यूज होने वाला फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर से एमिशन, एग्रीकल्चर का पुआल एक जगह जमा करके उसको जला देना, उससे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब से क्लाइमेट चेंज इट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर डायरेक्टली. ऑल्सो इनडायरेक्टली वो उसका खेत का उपज बढ़ाने के लिए जो हम बिजली पैदा करते हैं, वो बिजली कहाँ से आते हैं, उस बिजली को पैदा करने के लिए कितना पॉल्यूशन पैदा होता है, ये सब भी अगर हम एक्सटर्नल रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंस घटा सकेंगे, सब्सिडीज के ऊपर डिपेंडेंस घटा सकेंगे और फार्म कैन बी लो एक्सटर्नल इनपुट, जो स्थानीय इलाका में उपज है उसी को कर सकते हैं, तो दैट इज वन वे दैट इट विल बी mitigating much of climate change problems. Also, जो climate change का मुकाबला है, यानी climate change अगर होगा तो उसका जो हो रहा है उसका असर है कि time पे rain नहीं होता है. तो अगर integrated farming का हम सोच रहे हैं ecology के अंदर कि फसल के साथ कोई एक पेड़ पौधा झाड़ी वगैरह और कोई एक जानवर वगैरह एक साथ करें, इंटीग्रेट करें, तो इसका मतलब है कि अगर खेती में कुछ, जैसे धान में अगर 15 दिन देर में बारिश होता है, जो शॉर्ट टाइम का क्रॉप है उसका प्रोडक्शन में काफ़ी इफेक्ट होता है, उसका आधा घट जाता है, जबकि एक पेड़ के लिए दो महीना बाद भी रन होगा. एनुअल एवरेज रेनफॉल से मतलब है, कब पानी हुआ उससे ज़्यादा मतलब नहीं है. इसलिए इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर इज मच मोर रेजिलियंट. जब मल्टी वैरायटी करते हैं तो उसका सहन क्षमता बहुत ज़्यादा होता है. और दूसरा ये भी है कि क्योंकि हमारा इनकम एग्रीकल्चर से भी आता है, एग्रो प्रोसेसिंग से भी आता है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स. इट इज़ ए एक उदाहरण अगर लेंगे, जैसे कि तरह तरह लोगों के जगह में धान पैदा होता है, अगर धान का हल, राइस हल, बाहर का छिलका, उसको अगर फ्यूल के रूप से इस्तेमाल करके बिजली पैदा किया जाए, तो एक तरफ एक गांव का बिजली वहीं पैदा हो सकता है, बाहर से ग्रिड लाइन लाने का ज़रूरत नहीं, और उससे जो चारकोल जलने के बाद लिमिटेड ऑक्सीजन में अगर उसको जलाएंगे तो उससे जो कार्बन पैदा होगा, कोयला पैदा होगा, उसको मिट्टी में मिलाने से वो खाद का काम देगा, मिट्टी को अलग करने का काम करेगा, मिट्टी का वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ा देगा. सो
उसी तरह से कुछ भी फेंका नहीं जाएगा, एवरीथिंग विल बी यूज एंड इट विल इम्प्रूव द एनवायरमेंट। ऐसा सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसका एक उदाहरण ये है, वही आप, इसीलिए जब भी हम इकोलॉजिकल फार्मिंग चालू करेंगे, जब भी बहुत सारा वैरायटी होगा, लेकिन ये जरूरी है कि वो सोच समझ के किया जाए कि किसके साथ किसका तालमेल ठीक से बैठता है, मदद करते हैं ऐसे चीज मिला के इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर हो सकता है।